ये दिखाइए, इसको दिखाइए। यहाँ से ये बटन जो होता है इससे क्या नाम है स्विच ऑन होगा, ये ऐसे कर देना है, स्विच ऑन हो गया। और ये तो एसी का है, स्विच ऑन हो गया। और ये चाबी को ये यहाँ दिखाइए, ये जो ये देखिए डिस्प्ले ऑन हो रहा है। डिस्प्ले ऑन होने के बाद में इसको ऐसे टच करना है, ऊपर जाएगा। और ये चाबी दिखाइए, ये चाबी को एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर एक बार इधर घुमाएंगे, ये दो बार घूमेगा ऑन पे आ जाएगा। और इधर ओके कर देना है, फिर कंप्यूटर पे ये ओके कर देना है। उसके बाद इसको फिर ये कर देना है। अब ये सेट होगा, अभी जितना बार आप स्विच ऑन करोगे ये सेट होगा। ये देखिए ये बूम का हो गया, ये ट्रिगर का हो गया, ये काउंटर बेड का हो गया, ये बेट बैक हो गया, ये मेन हुक का क्या नाम है क्या है ये करना है, कितना टन का हुक लगा हुआ है ये हो गया, ये हमारा 60 टन वाला हुक लगा हुआ है ये हो गया, ठीक है। फिर यस पे वाई पे मार देंगे, ओके हो जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ से बैक कर लेंगे, ये वर्किंग पोजीशन आ गया। अब यहाँ से इंजन चालू करेंगे, देखो यहाँ से इंजन चाबी ऐसे मारेंगे, इंजन चालू हो गया। ये देखिए आरपीएम दिखाने लगा, आवर्स मीटर दिखाने लगा, ये सब इंजन चालू हो गया, ठीक है। यहाँ से कैमरा जो है कैमरा हटाना, यानी कि आउटरिगर का देखना है कितना किस पे प्रेशर है, कितना लोड है, तो यहाँ से देख सकते हैं, फिर ये कैमरा पे आ सकते हैं। उसके बाद में डेली सिलेक्शन के लिए पहले तो पूरा डिग्री जो दिखा रहा है ये 76 से प्लस होना चाहिए, 76 पे कर लेंगे। उसके बाद में देखिए आप हो रहा है, ये हो गया 77 हो गया, और कर लेंगे क्योंकि लंबा बूम निकालना है, तो 78 रहेगा तो ठीक है। यहाँ से अलार्म बंद करना है, इसका जो आवाज़ करता है, और 78 तो 78 के डिग्री में हो गया। और इधर दिखाइए, इससे एरिया हबीस है ऊपर नीचे, इस साइड में स्विंग है और क्या नाम है सेकंड हुक, एरिया हबीस का देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सेकंड हुक नहीं है। और इधर इस हाथ में जो बटन दिया हुआ है ये स्विंग फ्री करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, प्लस ये इंजन का आरपीएम लॉक करने के लिए दिया हुआ है, उसी रुका रहेगा, प्लस ये हारन का है। तो अभी हमको टेली निकालने के लिए क्या करना है कि 78 की डिग्री में हो गया है, ठीक है। उसके बाद में इस पर टच करना है चार नंबर के, इसको भी टच कर सकते हो और दबा सकते हो, इसको टच भी कर सकते हो, इसको टच कर दिए। अब ये हो गया इसका क्या नाम है जो भी है टेली निकालने का डायग्राम है पूरा, मतलब कितना क्या निकालना है इसमें पूरा दिखाता है, ठीक ना। ये 11 जो है वो 000 है, और जो 2 है वो कैसा है 55 या 50 जो भी है निकलता है, और 3 जो है 90 या 92 वो निकलता है, और जो 4 रहेगा जैसे ये देखिए अभी दिखाता हूँ, इधर से जाएंगे, ये देखिए 4 जो है वो 100 यानी कि पूरा टेली इसमें 7 सेक्शन है। और ये देखिए हमको निकालना है, अभी दिखाता हूँ, हमको निकालना ये 75 नंबर यानी 78 मीटर, ठीक ना। इस पे टच करेंगे, इस पे टच हो गया, ये वाई मारेंगे, वाई मतलब यस हो गया, यस किए, और फुल डिस्प्ले दिखा, और यस हो गया। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाने लगा कि हाँ कितना मतलब सिलेक्शन कितना नंबर किया है, यहाँ पर 75 है, यहाँ भी 75 आ गया, वाई मार दिए, ओके हो गया, यहाँ सही का निशान आ गया, यहाँ भी 75 आ गया। फिर यहाँ से बैक हो जाएंगे, बैक होने के बाद में ये टेली का निशान है 3 नंबर, टेली के निशान पे जाएंगे, ठीक ना। टेली के निशान पे इधर ये देखिए, टेली के निशान पे गए, यहाँ टच किए,
और उसके बाद में वाई वाई जो है ये देखिए हमारा पहले से इतना टेली निकला हुआ है, ये यहाँ दिखाएगा जितना टेली निकला हुआ है उतना ही दिखाना चाहिए यहाँ, नहीं तो टेली निकलने में दिक्कत होगा, निकलेगा नहीं। फिर यहाँ वाई मार दिए, वहाँ वाई पे यस करेंगे, फिर उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें सही का मारेंगे, उसके बाद में कीपैड पे आ जाएंगे। कीपैड में आएंगे तो ये जो है बटन, ये इसमें अप डाउन का दिया है, फ्लाई जिप का भी दिया और टेली का भी दिया, तो इसमें दो ही ऑप्शन काम करता है, तो इसको टेली पे चले जाएंगे। ये टेली पे गए तो यहाँ स्टार्ट ऑटो में ग्रीन आ गया, ये देखिए स्टार्ट ऑटो में ग्रीन आ गया, इसे पकड़ यहाँ पे ओके मारेंगे, फिर आ जाइए नीचे, फिर यहाँ स्टार्ट ऑटो दिया हुआ है, स्टार्ट ऑटो इसको दबा देंगे। इसके बाद बहुत गाड़ियों में इसको दबाने से तुरंत निकलने लगता है टेली, ठीक ना, तो इस सावधान रहें, इसको दबा देंगे, प्लस इसको लीवर का ये जो बटन होता है ये दबा के रखें, ये देखिए ये दबा दिया, अब ये चालू हो गया, इधर दिखाइए लंबा, ये देखिए हमारा 4 नंबर पे ग्रीपर है, ये देखिए ये क्या नाम है, ये दिखाने लगा, ये देखिए ग्रीपर जाने लगा, और ये देखिए टेली भी लेके जाने लगा, दिखाओ, रुकिए जब तक टेली निकल रहा है, जब तक जा रहा है, हमको अरिया कब करना है, जब इसका आरपीएम कम होगा तो अरिया नहीं करना, जिस समय पिन अनलॉक लॉक होगा, ठीक ना। और ये देखिए इसको पकड़ के ही रहना है, ये देखिए यहाँ पे दिखाता है, ये हो गया क्या नाम है कम्बिनेशन पूरा, इधर हो गया आरपीएम इंजन का, ये हो गया बूम का डिग्री, ये हो गया अब क्या नाम है रेडियस, ये हो गया क्या नाम है बूम का हाइट निकलते समय का, ठीक है। ये देखिए ग्रिपर अनलॉक हो गया है, इधर का देखिए ये ग्रीन नहीं था, ये ग्रीन नहीं है, अभी ग्रिपर अनलॉक हो गया है, बूम लॉक है ये देखिए, और ये यहाँ का ग्रिपर देखिए नीचे आ रहा है, देखिए ग्रिपर नीचे आ रहा है, उसके बाद में नीचे आएगा तो लॉक करेगा, उसके बाद बूम को अनलॉक करके फिर ऊपर को लेके जाएगा। इतना ध्यान देना है कि कभी भी बूम अनलॉक और लॉक करते समय पे क्या नाम है अरिया या हबीस या कोई काम नहीं करना है। और दूसरी बात है कि इसका आपको समझ में आ जाएगा जब आरपीएम इसका कम होगा, तो समझ जाना है कि क्या नाम है इसका क्या नाम है पिन अनलॉक लॉक होने का समय आ गया, उस समय छोड़ देना अरिया हबीस, ठीक ना। और कुछ है नहीं, बाकी चीज जो भी है हम अभी थोड़ा बटन के बारे में भी आपको बता देंगे, और नेक्स्ट डे किसी दिन आपको हम मैनुअल का वीडियो बना के भी भेजेंगे, ठीक ना। ये देखिए पूरा बूम निकल गया मेरा, ग्रीपर जहां गया वहीं पे रह जाएगा, ग्रीपर का कुछ नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये पूरा टेली निकल गया तो हमको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक जो है इसको फिर क्या इसको दबा देंगे, यहाँ से लाइट खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद में इसको हम एक बार दबाएंगे तो इस पे आ जाएगा अपना अप डाउन करने के मतलब फंक्शन में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से बैक ले लेना है, बैक ले लेने का काम करने का समय आ गया, का मतलब काम करने का जो भी डिस्प्ले में जो सिस्टम है पूरा सिस्टम आ गया,
और उसके बाद में ये हो गया काउंटर बेड बता रहा है, ये हुक कितना फाल में है वो दिखा रहा है, आउट ट्रिगर फुल है कि नहीं है वो दिखा रहा है, ठीक है। ये लो हाई का ये देखिए इसमें बटन दिया हुआ है, ये लो हाई का या क्या नाम है, ये कल हाई में रहेगा जब खरगोश में रहेगा खिचुआ में रहेगा तो ये, और जब चिड़िया पे रहेगा जो चिड़िया का निशान दिया हुआ है तो एकदम लो बहुत स्लो स्लो काम करेगा, ठीक ना। बाकी ये इसको अप डाउन करके आप आरपीएम बढ़ा घटा सकते हैं, इससे बढ़ता है इससे घटता है, ये लाइट का हो गया ये लाइट का हो गया ये लाइट का हो गया, प्लस ये चीज़ हमारे में नहीं है और ये इस इंजन बंद करने के लिए है, ठीक ना। और ये ग्रीसिंग का है, ऑटो ग्रीसिंग का है, प्लस ये ऑटो के समय बटन दबेगा, ये मैनुअल के समय दबेगा, ये ग्रिप अनलॉक अनलॉक का है, ये बूम अनलॉक लॉक का है, ठीक ना। ये फ्लाई जीप यूज करने के लिए उस समय का है, प्लस ये केबिन अप डाउन करने के लिए है, ये स्विंग और लॉक और अनलॉक का है, ये सब बाईपास है, ये तीनों एक साथ करेंगे तो बाईपास इसका चालू होगा, ठीक है। और इसके बाद में ये हो गया, आप समझ गए होंगे, और बाकी चीज तो हम बाद में, ये इमरजेंसी स्टॉपर है, बाकी चीज हम बाद में बताएंगे मैनुअली बूम कर निकालते कैसे हैं।